हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोग को बीएमटीसी 134 के अंतर्गत दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। यहां पर स्टेटमेंट है, द सेट ऑफ टू साइकिल्स फॉर्म अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन। तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? तो हम इस तरह से प्रूफ देंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू अ सेट हुज एलिमेंट्स आर 1, 2 एंड 3, देन साइक्लिक परम्यूटेशंस ऑन एक्स आर। साइक्लिक परम्यूटेशंस क्या क्या होंगे इस सेट से इसी सेट में, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 1, 3, 2। अब इसमें से हम क्या ले लेते हैं, टू साइकिल्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा गया है टू साइकिल्स, इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर इसे इस तरह से लिखना था, टू साइकिल्स, ठीक है, यानी ट्रांसपोजिशंस। तो यहाँ पर हम इसमें से ट्रांसपोजिशन या टू साइकिल्स को ले लेते हैं, उसका एक सेट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप कब कहलाता है? सबसे पहला तो कंडीशन होता है कि दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो क्लोज होना चाहिए वह सेट। यहाँ पर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, कोई दो टू साइकिल्स लेते हैं और उसका कंपोजिशन हम प्राप्त करते हैं, तो हमें एक ऐसा परम्यूटेशन मिलता है जो कि टू साइकिल नहीं है, ठीक है। ये टू साइकिल्स नहीं है, यानी ये एस से बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर एस इज नॉट क्लोज्ड अंडर कंपोजिशन, देयरफॉर एस डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन। सबसे पहला जो कंडीशन है उसे ही फुलफिल नहीं करता है, तो आगे हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल्दो द सेट ऑफ दीज टू साइकिल्स जनरेट्स अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन, हाँ ये मतलब टू साइकिल्स जो हैं इसकी सहायता से एक ग्रुप जनरेट होता है अंडर कंपोजिशन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, S3 कहते हैं, साइमेट्रिक ग्रुप ऑन थ्री सिंबल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।